हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो आज है 24th of March और हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए कल। अब मैं कपड़े ढूंढ रही हूँ तो कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज टाइट। शिट यार, तो इसमें इलास्टिक जो पहले फिट होता था, ये जो इलास्टिक है यहाँ पे बहुत टाइट हो रहा है। ये तो मैंने 201 बार पहन लिया है। और क्या है, हाँ ये जो पैंट मैंने पहना था ये भी मेरा जो पैंट है ये भी टाइट हो गया, अभी पैंट नहीं आ रहा है। सो बेसिकली आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स टू टेक टू दिल्ली। बाकी चीज़ें तो मैंने लाइक ऐसे बहुत बार पहन चुकी हूँ और आई एम फेड अप ऑफ दोज क्लोथ्स। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ शॉपिंग, थोड़ा सा मैं सामान लूँ ताकि मैं एटलीस्ट कुछ नए कपड़े पहन सकूँ और मैं कुछ अच्छा फील कर सकूँ अपने बारे में, बिकॉज नथिंग इज फिटिंग। आई मीन एक एक हफ्ते में मेजरमेंट चेंज हो रहा है, नॉट कंप्लेनिंग बट आई नीड टू गो शॉपिंग गाइस। तो दीदी और मैं हम लोग निकल पड़े, दीदी को भी बाहर जाने का शौक है बहुत, और ये ऑटो वाला भी हमें ऐसे देख रहा है, देखो वीडियो में आना चाहता है वो ऑटो वाला भी, अब मुंह फेर लिया उसने। तो हम जा रहे हैं H&M और फिर दीदी को भी बैग लेना है ना दीदी, शॉपिंग करने जा रहे हैं, शॉपिंग तो दीदी वांट्स टू बाय अ सूटकेस, सो इफ वी कैन गेट दैट अमेजिंग, एंड वी विल गो टू H&M। फिर हम लोग थोड़ा सा खाएंगे वहाँ पे, आज लंच नहीं बना है घर पे बिकॉज हम लोग मॉल जा रहे हैं, तो कुछ खाएंगे और फिर हम लोग वापस आएंगे और पैकिंग करेंगे। हाँ, आज तो वो नेल वाली भी आ रही है, क्योंकि मेरे नेल्स ऐसे हैं तो ऑब्वियसली शूट पे ये बहुत ही गंदा लगेगा, तो वो आएगी और हम नेल्स भी करेंगे। सो लेट्स गो। अच्छा लग रहा है, बाद में भी आ जाएगा मस्त। आई लाइक दिस बम्प ऑल्सो शोइंग, इट्स लुकिंग नाइस। ये तो आ ही नहीं रहा है, ये जिम भी नहीं जा रहा है, सो दिस इज आउट। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो ये है, ये पैंट और ये शर्ट, मेरे को लग ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा मैं पैंट पहना है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड गो, ये तो लेना ही चाहिए। तो हमने शॉपिंग तो कर ली, लेकिन दीदी से इंसिस्टिंग कि आज दीदी ही मुझे ट्रीट करे। तो हम शुरुआत करते हैं मुंबई के चाट से। आई एम गोइंग टू ईट पानी पूरी, दीदी इज गोइंग टू ईट सेव पूरी, और उसके बाद हम खाएंगे गरम गरम बिरयानी। दीदी आपको कितने साल हो गए मेरे साथ? कितना साल? 11 साल। और जब भी हम लोग मॉल आते हैं तो आप ही मुझे ट्रीट करते हो ना हमेशा? अच्छा कुछ नहीं है, आप भी ज़्यादा, आप ही तो करते कितना, मैं तो कभी कभी कार्ड लेके पैसा ले रहता है मेरे पास, कभी कभी आती, कभी कभी लाती हूँ हमेशा। शी ऑलवेज ट्रीट्स मी। टुडे वी आर हैविंग बिरयानी, चिकन बिरयानी, यही दिया दही और रायता। दीदी ने भी बैग सेलेक्ट कर लिया है दोनों में से एक। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है, ये थोड़ा ग्रे है, हाँ ये ग्रे वाला है और वो थोड़ा ब्लू है। हाँ एक्चुअली ग्रे वाला थोड़ा क्लासी लग रहा है। हाय गाइस, मैं मॉल से वापस आ गई हूँ और मैं ऐसी लेटी हुई हूँ बिकॉज छोटी छोटी चीज़ों में थक जाती हूँ, और मैं नेल्स भी ऐसे ही करने वाली हूँ। यहाँ पे शीला बैठेगी और यहाँ पे मैं अपना हाथ धोगी और लेट लेट के नेल्स करूँगी। शीला ने कभी ऐसे किया ही नहीं होगा कि लेट लेट के किसी औरत का नेल्स बना रही है। आप सबको तो पता ही है कि मैं कितनी बड़ी फैन हूँ होम डेकोर की, और आज सॉरी मैं नेल्स दिखाना भूल गई, और आज मेरे घर पे एक बहुत ही स्पेशल पीस आ रहा है, वो दरवाजे के बाहर ही है। सो लेट्स सी हाउ दिस पीस लुक्स।
amazing. फर्नीचर देख के मुझे कुछ हो जाता है. इट्स सो ब्यूटीफुल और एकदम यहाँ पे फिट हो रहा है. मस्त फिट हो रहा है. Hi guys, good morning. तो आज है 25 मार्च और आज हम निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए. मेरी पैकिंग आप अगर देख सकते हो तो ऑलमोस्ट हो गया है. मेकअप मैंने बहुत कुछ लिया नहीं है एक्चुअली, कपड़े या मेकअप, बिकॉज वहां पे सारे लोग करने वाले हैं अपना काम. वहां पे स्टाइलिस्ट है, वहां पे मेकअप आर्टिस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये है मेरी नई एक्चुअली दिल्ली. हैव जस्ट गॉट दिस बैग यस्टरडे. तो आदि इज गोइंग टू टेक द बिग वन एंड आई एम गोइंग टू टेक आदि इज गोइंग टू टेक द स्मॉल वन ऑब्वियसली बिकॉज मैन डोंट नीड प्लेस एंड आई एम गोइंग टू टेक द बिग वन. और मैंने इसके साथ साथ मेरा एक मैचिंग बैग ले लिया है जो मैं अभी एक्टिंग कर रही हूँ कि मैं लेके जाऊंगी. आज की मैं आदि के हाथ में दे दूंगी ये वाली बैग भी. बाय बाबा, विल कम बैक सून. ओके, बोलो मिशी मिशी क्या मैं. प्रेग्नेंट औरतों को बहुत ज़्यादा लोग भाव देते हैं, तो हमें मतलब ये जो प्रायोरिटी चेक इन है वो मिल गया. लकीली हमारे पास बहुत सारे बैग्स नहीं हैं, सारे बैग्स चेक इन हो चुके हैं और हम सिर्फ मेरा एक हैंड बैग है जो थोड़ा सा भारी है, जो मैं आदि को बोलूँगी कैरी करने के लिए. और दीदी ने मेरे लिए दही चावल पैक किया है बिकॉज फ्लाइट में खाना, एयरपोर्ट पर खाना अगर रिस्की होगा तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया. सो आई एम गोना ईट दैट. आई एम सो एक्साइटेड टू ट्रैवल. ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है आफ्टर प्रेगनेंसी एंड बेबी इज़ ऑलरेडी किकिंग अ लॉट फ्रॉम द मॉर्निंग. आई थिंक बेबी ऑलरेडी नोज के कुछ एक्साइटिंग होने वाला है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आदि व्हाट आर यू साइनिंग? आदि नाउ आई हैव टू फिल दिस पिक्चर. कैन यू गिव मी वन मोर पेन? बट व्हाट इज इट? आदि इट्स योर प्रेगनेंसी का डिक्लेरेशन. या प्रेगनेंसी डिक्लेरेशन. या व्हाट इज योर जेस्टिंग? अच्छा, ये सब भी होता है. ओके, बेसिकली मैंने ये फिल कर दिया है कि आई थिंक आफ्टर 28-29 वीक्स फ्लाइंग इज़ नॉट अलाउड. आई थिंक सो, बट लकीली हमारे सिर्फ 25 वीक्स हुए हैं तो मैं फ्लाई कर सकती हूँ. सो हाँ, तो मैंने की चीटिंग और मैंने घर का खाना नहीं खाया और मैं भी आदि के साथ बर्गर खा रही हूँ. हाउ हंग्री आर यू? वेरी वेरी हंग्री. और हमें 10 मिनट में गेट पे पहुँचना है. दी ने इतनी स्कूल में भी पढ़ाई नहीं की होगी जितनी अभी कर रहा है. What did you understand from this? I was just checking out which plane we are on. It's an Airbus aircraft, A320. It is a small aircraft. And if we land in water then? If we land in water, then I know how to swim. You don't, so bye bye. सबको पता है. क्या आप सबको पता है कि ये क्या है? अरे यार, खोल खोल तो ना. ये इसलिए है ताकि आप अपना फ़ोन यहाँ पे रख सको, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा. और अगर आपके पास लैपटॉप या आईपैड है तो यू कैन कीप इट हियर. हाउ कूल यार, लाइक दिस. नहीं नहीं, मेरे एयरपॉड्स आएंगे तो मैं देखूँगा. क्या देखने वाला है? मेरे एयरपॉड्स आएंगे. What's this? Dahi rice, my favorite. Are you excited? Very, very excited. जो KFC हमने खाया इससे तो लाख गुना बेटर है मेरा साउथ इंडियन खाना. कितना खा रही है यार? तेरा बच्चा है मेरे पेट में, मैं खाऊंगी तो क्या करूँगी? था KFC खा के मेरा मजाक उड़ा रहा था, खुद खा रहा है. मैंने तो मना किया, अब उसने दे दिया, उसने बोला नहीं सर. अच्छा, उसने तुझे फोर्स किया, फोर्स फीड किया विद लव. कुछ भी है, इसका नाम खराब मत कर. प्यार से इसने बनाया तो चखना तो पड़ेगा. अच्छा बनाया? अच्छा, तेरे लिए किचन में जाके बनाया उसने? क्या पता, शायद बनाया होगा. यार
अंकित, हमने सुना है कि यहाँ की नली निहारी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। कहाँ मिलेगा ये हमारे होटल के पास? दिल्ली इधर मिल जाता है। अच्छा, बहुत दूर है क्या? हम लोग ने कल YouTube का वीडियो देखा था ना, एक जहाँ पे जामा मस्जिद आई थी। हाँ, वो सब दूर है ना? वो उस तरफ है, अपोजिट है। अपोजिट है जी, वो काफी दूर पड़ जाएगा। क्या पता भी नहीं, मैं खा सकती हूँ कि नहीं। अभी अभी यहाँ पे आसपास जहाँ पे हम लोग है, कोई ऐसे नली निहारी की जगह नहीं है क्या? वैसे तो कनॉट प्लेस है। अच्छा, और चाट? चाट चाट तो कहाँ की मशहूर है भैया? चांदनी चौक, वो दूर है जहाँ से हमें, मतलब दिल्ली है ये इतना बड़ा ना। सच में इतने बड़े बड़े रोड्स तो बॉम्बे में है ही नहीं। ये दिल्ली हाट क्या है? हाट, हाट मींस मार्केट। हम जैसे हाथों से चीजें बनाते हैं ना, वो ज्यादा मिलते हैं, वैसे मतलब पैसे चीजें होती है। वो हैंडीक्राफ्ट दिल्ली हाट है क्या ये? नहीं यार, तो क्या हाथों की चीजें मिलती है? हाट मार्केट, तो इधर जो जगह है ना उसका नाम उन्होंने दिया दिल्ली हाट। अंडरस्टूड, गॉट इट। सीख रही हूँ यार मैं, दूसरी बार आई हूँ। हेलो एवरीबॉडी, फाइनली हम लोग पहुंच गए होटल। हाँ भाई, तो हालत ही खराब हो रही है, आई एम सो टायर्ड। लोगों को डाउन फॉर डिनर एंड वी गोना स्लीप। कल सुबह शूट है, 8 बजे मेकअप आर्टिस्ट आने वाली है और बहुत लंबा दिन होगा कल। सो वी जस्ट गोना रेस्ट, टेक इट इजी एंड स्लीप। चलो मैं आपको रूम दिखाती हूँ। इन लोगों ने बहुत स्वीटली हमें एक हैम्पर भी दिया है। हाउ स्वीट ऑफ देम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड बहुत सिंपल सा रूम है, लेकिन और क्या चाहिए? आफ्टर द एंड ऑफ द डे यू जस्ट वॉन्ट अ बेड टू स्लीप ऑन। तो यस, अभी मैं सोने वाली हूँ। बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 हैं और आधी सो रहा है। मेकअप आर्टिस्ट आने वाली है 8 बजे, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिले द शूट एट ऑल, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे हैं। सो आई एम इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम। तो मैं यहाँ पे आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, जो मैं अकेले खाने वाली हूँ, और दैट्स ओके, क्योंकि ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। जब काम होता है तो आपको ये फूड पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, मतलब मेरे साथ कोई है नहीं खाने के लिए, एंड यू जस्ट हैव टू डू योर जॉब एंड गेट गोइंग। सो आई एम गोइंग टू क्विकली ईट and I will see you up when I'm getting ready. Bye. So, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा मेकअप रेडी है ऑलमोस्ट। वहां जाके हम स्टूडियो में शूट करने वाले हैं आज, तो वहां जाके आई डू ऑल द फिनिशिंग टचेस, बट वी लाइक पुण्या हैज गिवन मी अ वेरी लाइक ड्यूई काइंड ऑफ लुक, बिकॉज हमारा फर्स्ट लुक इज लाइक दैट। आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग, बट बिफोर दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू दिस cute bathrobe that I was sent to by a brand. I'm going to link everything down below, so if you guys are looking for something personalized then you guys can get it from her. And yes, hum log abhi niche jane wale hain. Studio ka rasta I think yahan se 20 minutes door hai, and then we'll start shooting. So see you there. Hi handsome. Hey you. Are you all set to shoot today? Yeah, after a long time. Do look hai tere. I don't know if the camera is ready for me. Camera loves you, you know that. We are ready to go. Look at my face. How could the camera not love me? Kaisa hai ye? My God. Ye compliment do to chad jata hai. Dekho mera baby bump kaisa lag raha hai. Pink. What you saying? Say from beginning. Long time back, some 10-15 years back, I did a Pepsi ad for which we shot in Delhi. So I come to Delhi during winter, and this is the that time ka winter when pollution is not so much, and you know, winters were really winter. Haan. So in our hotel room we had a heater, and we had that thick kambal. Haan. So me and mom would put the heater on full. Haan. Put the kambal. Haan. Wear a thermal. And wear socks. And still feel cold. Oh my God. Because being from Bombay, we were not used to weather like that. Delhi ki sardi. Delhi ki sardi. Like this but you know, lower floor. Arre wa. Excuse me. Mera shoot hai aaj.
Hi, how are you? Good, how are you? Good. The setup is here? Yeah, nahi, setup udhar hai. Acha. Hi, Ashna. Hi, Aditya. Asha. I've heard a lot about you. Good things. No, that don't tell if it's good things or not. Hi, Ashna. Hi. She's styling us today and look at this beautiful, beautiful jewelry that she's got. But we are still not revealing the first look yet. This is really nice. You got this from Amritsar yesterday? Yes. Oh my God. Kitni hardworking ladki hai ye. Very pretty. But मेरे को ये पूरा look अच्छा लगा. It is nice with him. थोड़ा सा अलग है and I love it. Show me the shot you have in mind, then I'll line up. अच्छा ये करना है. Okay. First thing. Take your lights. So if I'm not mistaken, her one hand is on the gold stud, right? Right. Yeah. So, our first look almost done है. थोड़े से shots बस बाकी है. आपने तो देखा ही होगा सारा BTS. और इसके बाद हम करेंगे एक surprise look, which I'm very excited about. Very different from look one, and I'm waiting for you guys to see it. Ashna, what do you have to say about look two? Do you think we'll achieve? We're looking fab. Thank you. अब देखते हैं look two में कितना मैं nail करती हूँ. Goddess माँ दुर्गा. चलो let's get ready for look two. Testing for the world, I should dress for my husband. Adi, what do you think of my look? How's it? It's nice. Nice, no? Yeah. Very seductive. ये तो YouTube पे डालना भी नहीं चाहिए. Bye guys. क्यों नहीं डालना? If anyone thinks that shoots are easy and the pictures look glossy and amazing and wow, what a life. Please see what is happening. Ashna, how many times have you done this? I went to the tailor thrice and it's still not fixed. It's so still the not chain fixed. Broke. So what we're doing, we're just sewing it. We are sewing it. So I'm ready for the second look. Itna alag hai na first look se. It's basically a Barbie look. So we are doing Barbie and Ken, and they have this amazing setup. Yahan pe Barbie ka basically ghar hai. So let's go and be Barbie. I'm a Barbie girl. हेयर एक्सटेंशन मेरा वाला भी यूज करना है या आपका ही लगा दूँ बस मेरा लगा दो फिर देख मैं लगा दूँ फिर पीछे क्लैंप कर दो ना सो द बम्प हैज टू बी सीन अदरवाइज इट्स नॉट Hi. 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 You.
How do you want this tie, Ashna? Ashna, how do you want the tie? Take this position. अभी तक कुछ शुरू नहीं किया है, अभी जब सेवेंथ मंथ, अभी कल से इनफैक्ट सेवेंथ मंथ शुरू हो रहा है, तो हम एक नर्सरी बना रहे हैं और मेरे तो रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने हैं कि बेबी को ये करना है वो करना है, लेकिन फाइनली सब मुझे बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बेबी इज द बॉस, यू आर नॉट द बॉस. सो मैं बस वेट कर रही हूँ. लेट्स सी, खाना है ना, दिल्ली के खाका खाना और सब हमें रिकमेंड कर रहे हैं, इतने दिल्ली वाले यहां पे मौजूद है, सब मिलके एक जगह नहीं बता पा रहे. मैं बता दूं, दरियागंज इज द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर चिकन. मजनू का टीला, यू कैन गो, यू कैन गो टू दिस लाल किला नियर बाई, चांदनी चौक जा सकते हो, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद. आप देख रहे हो क्या हो रहा है, सबके अपने अपने ओपिनियंस आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं जा सकते हो. मजनू के टीले में जाना है क्योंकि ही लव्स द नेम, चेक सब बॉम्बे जाएंगे. मजनू भाई, मजनू का टीला, मजनू के टीले में जाना है, यू कैन डू योर मजनू गिरी. मजनू गिरी अभी मेरे पास एनर्जी नहीं है, मजनू गिरी सारा मैंने यहाँ पे कर दिया. It's Majnu ka Teela. Majnu ka Teela. You're not knowledge. And you're giving also knowledge. I'm checking if the road is good. Then if you want to have money. Lock Punjabi bag. Punjabi bag lock karo. Punjabi law lock karo. But Sunday is very crowded. Let's go to the hotel. Sleep. Quietly sleep. Forget this. No. What do you want to do? I think I've eaten mutton in this conversation. I've eaten chicken. Sabki taste hai. Ja ke sab jayenge. What did you say just now to me? मुंह बना के बोला, अभी स्माइल मत करो, मुझे बोले यू डिड अ ग्रेट जॉब, मुंह बना के एकदम यू ऑल्सो डिड अ ग्रेट जॉब, थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग आउटफिट्स. सो वी फिनिश शूटिंग और हम आए हैं कहाँ आदि? हम कहीं नहीं आए, फाइनली इतना कंफ्यूजन हुआ तो हमने बोला यहीं पे एक करीम दिख रहा है, ये पीछे देखो लाल लाल करीम, उसमें से हमने मटन निहारी और खमीरी रोटी ली है और अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ, होटल में बैठ के आराम से बिकॉज हम थके हुए हैं, बट एटलीस्ट वी गॉट टू ईट व्हाट वी वांटेड टू ईट. या दैट्स ट्रू. कांट वेट. हाउ हैप्पी आर यू? ओके, नॉट वेरी हैप्पी. व्हाई? बिकॉज़ यू डोंट लाइक द ग्रेवी कलर. इसको ना वो वाला पसंद है जिसमें बहुत तेल 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 होता है, लाइक रेड रेड वाला, और वो नहीं है. बट टेस्ट करके देखते हैं कैसी है ये वाली निहारी. हम लोग बहुत हंग्री है तो वी आर गोना गो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग. आई एम एंडिंग द ब्लॉग हियर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर डेली ब्लॉग. वी विल सी यू इन बॉम्बे वेरी सून विद अ लॉट मोर फुटेज. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल आवर वीडियोस. टेल अस व्हाट यू वांट टू सी मोर. And goodbye from Ken. Bye bye bye. And bye from me. Bye. Instagram!